आज का फॉर्मूला है सोडियम फास्फेट का। मैं बताऊंगा हर बार की तरह बेहद आसान सा तरीका। स्टेप वन, सिंबल सोडियम को सिंबल होता है एनओ होता है, फास्फेट को लिखते हैं PO4 से प्रेजेंट किया जाता है। सिंबल फाइंड होने के बाद स्टेप नंबर टू आती है, आयन पॉजिटिव नेगेटिव इसको डिवाइड करते हैं। एक्शन क्या होता है, जो भी कंपाउंड इस फॉर्म में लिखा होता है इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा, समझे, तभी फॉर्मूले बनते हैं। नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, नाम होते हैं मोनो डाई ट्राई टेट्राक नाम जानते हैं। इसमें से क्या होगा, एक पॉजिटिव सोडियम की वैल्यू होगी प्लस वन, फास्फेट की जो वैल्यू होती है माइनस की 3 होती है। वन है तो क्या हुआ, मोनोवेलेंट हुआ, 3 हुआ तो क्या हुआ, ये ट्राई वेलेंट हुआ। नंबर एंड वैल्यू फाइंड होने के बाद स्टेप नंबर 3 आती है, इसे क्रिस क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में कहते हैं कैची गुणा कहते हैं। कैची गुणा में तो बचपन में बड़ा मजा लेते थे, कैची गुणा क्या होता है चलो छोटा था मैं। यहाँ लिखिए, यहाँ पर सोडियम वैल्यू कितनी होती है 1, फास्फेट को लिखिए 3, देन प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं जब कैम्प का फॉर्मूला बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं टाइम प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। देन प्लस माइनस का यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते टाइम करते हैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, Na3PO4, तो ये बन गया फॉर्मूला सोडियम फास्फेट का। देखा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट उसके लिए आपका सिंबल एंड वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से आप एक दो नहीं आप हजारों फॉर्मूले बना सकते हैं, ये मैं गारंटीड दे रहा हूँ। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।